यहाँ का सभी का शोरूम ये आप देख सकते हो विजुअल में। तो अंदर इसका गैरेज है, ये रहा यहाँ कुछ मार्केट इस साइड से पूरा मार्केट है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुशी से होंगे। आज हमारा तीसरा ट्रैवल प्लान है, ये रहेगा घर से डायरेक्ट श्रीनगर, क्योंकि अपनी निंजा को मीटर गियर चेंज करना है। उसका मीटर गियर खराब हो चुका है, वो ना तेल दिखा रही है ना मीटर दिखा रहे ना कुछ। तो सोपोर पे हमने फोन किया था शोरूम पे, वहाँ पे नहीं मिला है, तो डायरेक्टली श्रीनगर जाना पड़ेगा, क्योंकि करानगर में बोला गया कि करानगर में बैंक के पास है इसका शोरूम, इसका कंपनी, तो कंपनी में डायरेक्ट जाएंगे। पता नहीं है वहाँ पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है, ये मोटो व्लॉग होगा, सिर्फ शेयर करना है वीडियो को और लाइक करना है। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आज बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है, तो जाके एक बार चेकआउट करें व्लॉग और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक को फॉलो जरूर करना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो गाइज ये रही सोपोर से श्रीनगर की हाईवे, जहाँ पे अभी हम मोटो व्लॉग कर रहे हैं। तो ये भी कम्प्लीटली मोटो व्लॉग हो रहा है। तो जैसे मैंने इंट्रो में बोला है कि आज मीटर गियर चेंज करना है अपनी गिंजा को, क्योंकि यहाँ पे सोपोर शोरूम पे वहाँ नहीं मिला है, तो अब श्रीनगर जाना पड़ा है। देखेंगे वहाँ मिल जाएगा या नहीं, तो इंशाल्लाह पूरा एक्सप्लोरिंग करेंगे। जहाँ हम जाएंगे तो आपको लोगों को भी दिखाएंगे। तो आगे आपको क्या करना है, व्लॉग में बने रहना है, वीडियो स्किप नहीं करना है। एंड गाइज आप लोगों को मैं एक बात क्लियर करूं, क्योंकि कुपवारा से मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है, क्योंकि कुपवारा से मैंने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लोरिंग किया है, तो यहां से मैंने नहीं एक्सप्लोर किया। अब मैं यहां से दिखाना चाहता हूं आपको। गैस बटन हमने क्रॉस कर लिया है, अब देखेंगे आगे कि ममत बहुत तेज चला रहा है। तो मामा क्या कर रहे हैं भाई, आहिस्ता चलो यार, कैमरा भी गिर जाएगा, मेरा फोन हाथ से कभी गिर जाए कसम से। आज तो चलाता है ये मोतिया, आज गोडा व्लॉग शूट करने पर चला फास्ट, ये बहुत तेजी से चल रहे है गैस। अब मैं क्या ही बोलूँगा इसको, क्योंकि मामा नहीं मान रहा है। 70, 80, 89, 90, 110 हो गया है कंप्लीट स्कूटी की स्पीड, लेकिन तब भी एक्सीलेटर दे रहे हैं। तो फाइनली गाइस श्रीनगर 5 किलोमीटर रह गया, तो अभी हम श्रीनगर पहुंचने वाले हैं। यहां से हमें जाना है करानगर, करानगर पे वहां अल्फा वन सुजुकी का शोरूम है, पता नहीं वहां मिलेगा, क्योंकि इतनी मेहनत इतना तो तकलीफ हुआ है बाइक पे, यहां से बहुत ही डस्ट, कपड़े भी ख़राब हो गए, सब कुछ ख़राब हो गए, तो यहाँ मिलने चाहिए ज़रूर। तो अभी 5 किलोमीटर सेलेक्ट है, मिलते हैं वीडियो में। तो गाइज मामा रॉन्ग साइड भी कट मार रहा है, आगे भी कट मार रहा है, तो आप देख सकते हो कैसे कट मार रहा है, रॉन्ग साइड लेफ्ट साइड ले रहा है, लेना तो राइट लेकिन लेफ्ट ले रहा है। देख सकते हो कैसे लेफ्ट ले रहा है, क्योंकि किसने वाला, अगर इसको कोई धक्का मारेगा कि ये किसको
पूछेगा मुझे किसने धक्का मारा है, क्योंकि लेफ्ट ले रहा है। तो गाइस फाइनली हम पहुंच गए श्रीनगर। तो यहाँ श्रीनगर 4-way का व्यू आप देख सकते हो विजुअल में। एंड अभी हम करनगर जाने हैं, बहुत ही मज़ा हुआ। क्या 4-way की व्यू अलग है, 4-way भी चलना भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मामा भगा रहे हैं सिक्योरिटी, उनकी 100 स्पीड अभी भी है। ये देखना होगा, ये शायद आगे भी लेफ्ट कट मारेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये राइट से इसे ना कट है। क्या करें, बस गिरने से अल्लाह बचाए, बाकी कुछ नहीं। अभी हम बटमालना में हैं, तो जाना है हमें करनगर, वहाँ पे इसका बैंक के पास है शोरूम, यहाँ से हमें पता निकालना है हमने, तो करनगर जाना है। ये रहा यहाँ का सभी का शोरूम, ये आप देख सकते हो विजुअल में। तो अंदर इसका गैरेज है, ये रहा यहाँ कुछ मार्केट इस साइड से, इस साइड से पूरा मार्केट है बैंक के पास। ये रहा कुछ बाहर का नज़ारा इस गैरेज का जो आप देख रहे हैं, पूरा एक्सेस शोरूम रूम है ये। तो व्यूअर्स, इनका कहना है कि अभी टाइम लगेगा, ये ढूंढ रहे हैं वो मीटर गियर, लेकिन यहाँ भी शायद नहीं मिलेगा, क्या करें, बोल रहा है 2.5 घंटा वेट करो, तो अगर तब भी नहीं मिला तो यहाँ से खाली वापस जाना पड़ा, क्या करें, मूड कर कर। तो गाइस यहाँ से खाली हाथ से वापस जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ भी नहीं मिला है। अब मामा को 10 दिन के बाद जम्मू जाना है, तो जम्मू में मिल जाएगा, तो यहाँ पे टोटो नहीं मिल जाएगा। एक्सेस 125 है, इसका जो आगे वाला टायर में जो मीटर गियर होता है वो नहीं मिला है, क्योंकि पूरा कश्मीर में हमने ढूंढा है, बारामूला, सोपोर जैसे श्रीनगर सेंटर में ढूँढा है, लेकिन नहीं मिल रहा है। ये है बेस मॉडल की सबकी का, अब वापस जाना पड़ा, मूड ख़राब हो चुका है टोटल, और मेरा दिमाग भी ख़राब हो गया है। तो गाइस मूड ख़राब हो गया है, तो अब खाली हाथों से घर जाना पड़ेगा वापस, तो यहाँ भी नहीं मिला है, अब हम वापस की तरह घर जा रहे हैं। तो ये थी कुछ श्रीनगर की कहानी जो मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो उम्मीद यही करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होता, तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अपनी भाई की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज देखते हो फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना। सुजुकी की शोरूम है ये, लेकिन इसके पार्ट्स नहीं मिल रहे, क्योंकि मीटर गियर लगाना था, श्रीनगर में भी नहीं मिला, यहाँ भी शायद नहीं मिला है, तो फिर हम घर जाएंगे डायरेक्टली। तो ये रहा सोपोर का शोरूम सुजुकी का, तो यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, पूरा गैरेज सुजुकी। कासिम भाई, ओके गाइस, अभी हम फिर से उसी जगह पे जहाँ पे हमने एंट्री दिया था, ये अपना रूम है, तो घर पहुँचा है अभी, क्योंकि ठंडी बहुत लग गई है, बहुत सर्दी लग गई है, क्योंकि शाम को ट्रैवल करना बाइक पे बहुत ही ठंडी होती है, शाम और सुबह को आज यहाँ कश्मीर में, तो ठंडी बहुत लगी, मेरा जबान भी फिसल रही है ठंडी की वजह से, तो फिर मैंने बाद में एंट्री दिया है।
होप सो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो पसंद आए, क्या करने है, लाइक शेयर करने है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने है, फेसबुक पेज को गांव रोश सब्सक्राइब ना और फॉलो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग रब के हवाले।